तो ये भी बताइए कि सेक्स कितनी बार करना चाहिए, दिन में या फिर सप्ताह में? देयर इज नॉट वन थ्योरी विच फिट्स फॉर ऑल, इट इज वेरी इंडिविजुअल एंड पर्सनल. आई वुड से रादर देन गोइंग फॉर अ नंबर ऑफ सेक्स, वी वुड एम्फसाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ सेक्स. आप जब भी मिले अपने पार्टनर के साथ, उनकी कंसेंट से मिले, प्रॉपर उनकी इमोशनल बॉन्डिंग बना के, एक उनको एक आपको उनको एक वॉर्म्थ देनी होती है, ताकि यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड यू शुड ऑल्सो टेक केयर दैट बोथ द पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल एक्टिविटी शुड गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट एक्ट. सो नंबर इज नॉट अ मार्कर, इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं कि किसको कितनी बार सेक्स करेगा तभी उसको बेनिफिट मिलेगा. इट्स नॉट द क्वान्टिटी बट द क्वालिटी ऑफ सेक्स इज डेफिनेटली विच आई वुड रिकमेंड टू मैनी ऑफ माई पेशेंट्स. और अगर आप फर्टिलिटी के लिए बात करते हैं तो उसमें ज़रूर इसकी नंबर ऑफ इंटरकोर्स हम लोगों को ड्यूरिंग द फर्टाइल विंडोज, जैसे मैंने आपको अपना स्टार्टिंग में बताया था कि ओवुलेशन टेक्स प्लेस अराउंड 14th डे ऑफ योर साइकिल. इन अ रेगुलर मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन की मैं बात करूँ तो इन अ पेरी ओवुलेटरी फेज हम लोग ऑल्टरनेट डे सेक्स करने को रिकमेंड करते हैं, विच गिव्स अ गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म सो दैट फर्टिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वी डोंट मिस दैट ओवुलेशन टाइम. अंडा कब निकल जाएगा और वो फर्टिलाइज ना हो पाए, उस चांस को मिस करने के लिए ना हो जाए, तो हम लोग 36 to 48 आवर्स में वंस इन अ टाइम रिकमेंड करते हैं अ गुड सेक्शुअल एक्टिविटी फॉर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वैसे पीरियड्स के टाइम में, ड्यूरिंग पीरियड्स, उसमें सेक्स करना ठीक होता है क्या? सी अगर आप देखेंगे बायोलॉजिकली देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली अगर आप हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, और कभी कभी कपल्स में अगर वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और फीमेल इज ऑलरेडी अंडरगोइंग सम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी एंड शी इज़ नॉट कंसेंटिंग फॉर इट, इट शुड नॉट बी डन. इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक एंड इट इज़ मेडिकली ऑल्सो इट कैन प्रमोट मेनी एसटीडी सेक्शुअली.